नमस्कार साथियों, जो पीएचडी करने की इच्छुक हैं 2018-19 शैक्षणिक वर्ष में, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। विशेषकर जो हरियाणा राज्य के जो युवा साथी हैं जिन्होंने पीजी कर चुका है या नेट जेआरएफ क्लियर हैं और वो पीएचडी करके किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छुक हैं, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो नेट जेआरएफ क्लियर नहीं है और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनको जो है पीएचडी करना पड़ेगा। और पीएचडी करने के लिए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा हरियाणा, जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और बी ग्रेड यूनिवर्सिटी है, उनके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीएचडी एडमिशन नोटिस 2018-19 जारी किया गया है और ये 13/9/2018 से 26/9/2018 तक आवेदन करने की यहाँ पर जो है तिथि दी गई है। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जो होगा 30/7/2018 को होगा। जी हाँ, एमफिल और पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है, प्रवेश परीक्षा है, वो इसकी तिथि जो है 30/7/2018 है। आइए देखते हैं सबसे पहले पीएचडी के लिए जो है पीएचडी का जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो सिरसा हरियाणा में स्थित है, ये स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है और ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन नोटिस दिया हुआ है 2018-19 के लिए, किस किस विषय पर पीएचडी होना है, जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, यहाँ पर केमिस्ट्री विषय पर जो है होगी, यहाँ पर केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर लॉ, फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन के लिए ये पीएचडी सेशन 2018-19 के एप्लीकेशन मंगाया गया है। यहाँ पर देखिए, आपको इस वेबसाइट में जाना है, हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। यहाँ पर फीस जो है 1650 रुपये फीस है, 1650, जो SC/ST के लिए जो है 450 है, 450 रुपया है, और इसकी जो अंतिम तिथि है 26/9/2018 है। यहाँ पर 27/9/2018 के पहले जो है फीस पड़ जाना चाहिए, फीस पे हो जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है 28/9/2018 को जो प्रिंटेड कॉपी है, उस प्रिंटेड कॉपी को जो है विभाग में भी पहुँच जाना चाहिए, तभी वो पात्र माना जाएगा और वही व्यक्ति जो है एंट्रेंस टेस्ट में एग्ज़ाम दे सकेगा। यहाँ पर शेड्यूल दे दिया गया है, इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स, तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ये 13 सितंबर से जारी हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन है 26/7/2018। अभी समय है, आप 3 दिन समय है, आज है, कल है, परसों है, और लास्ट सबमिशन एप्लीकेशन फीस जो है विथ चालान जो है 27/7/2018 है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हार्ड कॉपी, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप ऑफलाइन भरें तब उसका जो हार्ड कॉपी निकालना है और 28 सितंबर के पहले पहुंच जाना चाहिए। डेट ऑफ टाइमिंग यहाँ पर दे दिया गया है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट का कब कब एंट्रेंस टेस्ट होगा, जैसे सुबह 10:30 to 11:30 तक, मतलब 1.5 घंटा होगा 30/7/2018 को। ये इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन है, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस है, कॉमर्स है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स भी जो है सुबह देना है, सुबह पाली में दिया जाना है। यहाँ पर जो 12:30 to 2:00 तक दिया जाएगा वो लॉ है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, फिजिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लोग जो है 12:30 to 2:00 तक देंगे। यहाँ पर डेट जो रिजल्ट एंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट निकल जाएगा वो 3 अक्टूबर को निकल जाएगा। फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा, काउंसलिंग होगा मेरिट लिस्ट वालों का जो है वो 5 अक्टूबर को होगा। डिपॉजिट ऑफ एडमिशन फीस उसके बाद में 6 अक्टूबर को जो है वो एडमिशन हो जाएगा। साथ ही साथ जो सेकेंड काउंसलिंग होगा वो 8 अक्टूबर को होगा, थर्ड काउंसलिंग जो है 11 अक्टूबर को होगा,
इसी तरह से यहाँ पर जो है कोर्स जो पीएचडी कोर्स वर्क जो है 15 अक्टूबर से चालू हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे एक एक बात को जो है स्पष्ट रूप से क्या कैसे चाहिए, ये सब डीन फैकल्टी का नंबर दे रखा है, साथ ही चेयरपर्सन और जो इंचार्ज डिपार्टमेंट है उसका भी मोबाइल नंबर दे रखा है, हेल्प डेस्क भी दिया हुआ है, ये टेंटेटिव सीट्स दिया हुआ है। देखिए किस सब्जेक्ट के लिए कितना सीट रिक्त है, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 5 सीट है, यहाँ पर आरक्षण बता दिया गया है, किस सब्जेक्ट किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 1 सीट है, कॉमर्स में 8 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 4 सीट है, इकोनॉमिक्स में आपका 5 सीट है और इनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस में 3 सीट है, इंग्लिश सबसे ज़्यादा सीट है जो 9 सीट है, फूड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 सीट है, लॉ में 1 सीट है, फिजिकल एजुकेशन में 7 सीट है और फिजिक्स में 6 सीट है। इस तरह से टोटल जो है 53 सीट्स के लिए जो है ये पीएचडी एडमिशन हो रही है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, यहाँ पर जो है सभी चीज़ें चाहिए, मतलब आपका 10th 12th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की सारा चीज़ें चाहिए। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपने एमफिल किया है या यूजीसी नेट है, सीएसआईआर के द्वारा या जेआरएफ क्लियर है, तो उसकी जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी चाहिए, क्योंकि नेट जेआरएफ वालों को जो है उन्हें एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। यहाँ पर आप जो है नीचे में हम दिखाएंगे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। इफ एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यदि मान लीजिए सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में या एलाइड कॉलेज में या गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लाई है, तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए और उसके लिए एनेक्जर भी दे दिया है, उस एनेक्जर के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट और रिजर्व कैटेगरी, यदि आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। गैप ईयर सर्टिफिकेट, यदि आप 1-2 साल से आप इंतज़ार कर रहे हैं और आपने पीएचडी नहीं कर पाया है या कोई एग्ज़ाम नहीं पास किया है, तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आधार कार्ड पहचान के लिए आपको देना पड़ेगा। ये अदर डॉक्यूमेंट है, ऑन द रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ कैंडिडेट पीएचडी एडमिशन कमिटी जो डिपार्टमेंट वे अलाउ द एप्लीकेंट टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद इन ए वीक फ्रॉम डेट ऑफ इनरोलमेंट इन पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पर सेमेस्टर वाइज होगा, सब दे दिया गया है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लीजिए क्या योग्यता चाहिए, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो है पीजी में 55% या एमफिल में 55% चाहिए, एससी एसटी के लिए 52.25% 52.25% चाहिए। उसके अलावा एन एमफिल स्टूडेंट ऑफ हिज यूनिवर्सिटी whose MPhil dissertation has been evaluated and viva book in pending, यदि मान लीजिए सिरसा जो यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, तो वहाँ यदि आप PhD कर रहे हैं और आपका dissertation मूल्यांकन के लिए चला गया है और viva book pending है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर जो MPhil डिग्री SC/ST के लिए जो है 2.75% यहाँ पर छूट दे रखा है। इसी प्रकार से रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी जो राज्य सरकार के अंतर्गत उन्हें छूट प्राप्त है। इसके अलावा सुपरवाइजर को सुपरवाइजर के बारे में भी पूरा दे दिया है कि कौन सुपरवाइजर बन सकता है, कैसे को सुपरवाइजर बन सकता है, नंबर ऑफ सीट्स आपको बता चुके हैं। इंट्रेंस टेस्ट जो होगा, द कैंडिडेट टेस्ट इनरोल्ड पीएचडी कोर्स वर्क विल बी हेल्ड वंस ए एकेडमिक सेशन नोटिफाइड बाई यूनिवर्सिटी, जो इंट्रेंस टेस्ट के बाद भी जो कोर्स वर्क होगा, कोर्स वर्क भी जो है 1 साल के अंतर्गत होगा और उसी के अंतर्गत जो है आपको एग्ज़ाम देना है। फॉलोइंग कैटेगरी कैंडिडेट विल बी एक्जेप्टेड, यहाँ पर देखिए 23 नंबर वाला पॉइंट, जो नेट JRF हैं उनको आपको इंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। हु हैव क्वालिफाइड JRF UGC CSIR ये हैविंग वैलिडिटी एंड द अदर एग्जाम रिसर्च पर्पज एट द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लेवल, हु हैज़ बीन अवार्डेड UGC टीचर फेलोशिप, हुआर ये एक्जेप्टेड है, इसको एग्जाम नहीं देना है, इंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। इसके अलावा जो नेट JRF नहीं है उनको जो है यहाँ पर दे दिया है कि इन केस ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट हु क्वालिफाइड द इंट्रेंस टेस्ट आर एग्जेप्टेड फ्रॉम द इंट्रेंस टेस्ट,
तो यहाँ पर हैपन टू मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट देन द मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन टू पीएचडी सेल बी प्रिपेयर्ड बाय द पीएचडी एडमिशन कमेटी ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरिया। परसेंटेज आप मान लीजिए आपने इंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है तो आपका कैसे सिलेक्शन होगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन इंट्रेंस टेस्ट 80%, यहाँ पर जो 80% उसको गिनती माना जाएगा। और उसके बाद में मार्क्स ऑफ इंटरव्यू, जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें 80% और मार्क्स ऑफ इंटरव्यू है 20%, इस तरह से टोटल 100% रखा गया है। यहाँ पर इंटरव्यू होगा, यहाँ पर देख लीजिए फॉर द कैंडिडेट एक्जेप्टेड फॉर इंट्रेंस टेस्ट वेटेज टू बी गिवन ड्यूरिंग JRF को 50, नेट को 45, स्लेट गेट वैलिडिटी और MPhil को 40 अंक दिया जाएगा। देखिए नेट का वैल्यू जो है JRF नेट का वैल्यू यहाँ पर दिखाई देता है, और आपका जो है एग्जामिनेशन जो जब PhD करते हैं तो PhD में भी JRF और नेट को जो है इस तरह से बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर देखिए PhD कोर्स वर्क कैसा होगा, यहाँ पर PhD कोर्स वर्क 1 साल के लिए होगा, और ये 4 पेपर देना पड़ेगा। पहला पेपर रिसर्च मेथोलॉजी का देना पड़ेगा, ये 4 आवर पर वीक, एक हफ्ता में 4 घंटा आपको जो है वर्क करना पड़ेगा। जो यहाँ पर मार्क्स 100 है 70-30 दोनों चीज़ें के लिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर जो है। यहाँ पर डिपार्टमेंटल कंपलसरी पेपर होगा, यहाँ पर ये भी जो है 100 मार्क्स का होगा। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव पेपर्स होंगे वो भी 100 मार्क्स का होगा, और ओपन इलेक्टिव होगा वो जो है 50 नंबर्स का होगा। इसी तरह से आपको जो है पूरी चीज़ें पढ़ लेना है। एग्जेप्शन रिलैक्सेशन इन द PhD कोर्स वर्क, PhD कोर्स वर्क में किसको छूट मिलता है, जो MPhil डिग्री धारी हैं। MPhil डिग्री धारी को PhD वर्क कोर्स वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको कई वीडियो में बताए हैं MPhil करने के कितने फ़ायदे हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जो कैंडिडेट PhD कंप्लीट कर चुका है उनको कोर्स वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा जो है रिसर्च वर्क में जुड़ जाएंगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कैसे होगा, PhD एडमिशन कमेटी होता है, वहाँ पर सुपरवाइज़र और कैंडिडेट दोनों को जो है जो DRC बैठेंगे, और यहाँ पर कंसल्ट होगा, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरह से सारा डिटेल को आप पढ़ लीजिए, कितना रुपया फीस पटाना है, कितना रुपया आपको ईयरली PhD के लिए आपको देना पड़ता है, विदाउट लेट फीस या लेट फीस के अंतर्गत कितना के क्या करेंगे, यदि बारीकी से आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है कि सेमिनार प्रोग्रेस रिपोर्ट ये सब बताना पड़ेगा, PhD कैसे किया जाता है, कितने अवधि का होगा, ड्यूरेशन ऑफ PhD कोर्स यहाँ पर जो है बता दिया गया है कि किस तरह से 6 साल के लिए है, यहाँ पर जो है 6 साल तक अधिकतम है, मतलब 6 साल तक जो है आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो मैटरनिटी लीव है वो भी PhD कोर्स में 240 दिन का छूट मिलेगा महिलाओं के लिए पर्टिकुलर जो है, वो सारा डिटेल दे दिया गया है। लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, दोनों में आप जो है PhD कर सकते हैं। यहाँ पर जो है चेंज आउट टॉपिक को भी अपने हिसाब से आप जो है 2 साल के अंतर्गत आप अपने, यदि मान लीजिए कोई टॉपिक लिया हुआ है उस टॉपिक में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर जो है चेंज ऑफ सुपरवाइजर भी चेंज करने का प्रावधान है। ये फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो है PhD करने के लिए यहाँ पर पूरा बता दिया है, PhD कोर्स वर्क फीस कितना देगा, एग्जामिनेशन फीस कितना देगा, रजिस्ट्रेशन फीस जो है, ये लाइब्रेरी फीस है, मेडिकल फीस है, एनुअल फीस है, थीसिस एवेल्युएशन फीस है, ये इतना फीस आपको जो है पे करना है, इस तरह से टोटल दे दिया है। आप इसको योग लगा लीजिए कितना रुपया होता है, ये 5000 है, 6, 7, 7, 9, 10, 10, 5, 15, 15 और 10, 25, 25 और 5, 30, 30, 33 और 33, 36 और 600, 36, 37 हजार, लगभग 37-38 हजार रुपया जो है आपको PhD करने में खर्च आ सकता है। यहाँ पर पूरा चीज़ें दे दिया गया है कि आपको जब PhD थीसिस जमा करेंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगा, ये नोटिफिकेशन आपका काम का है। इवेलेशन ऑफ थीसिस कैसे होगा, 2 जगह बाहर की यूनिवर्सिटी से होगा इवेलेशन, वाइबा बुक होगा, वो ओपन होगा, पब्लिक ओपन होगा, और ये सारा डिटेल दे दिया है आपको जो है, इसको पूरा बारीकी से पढ़िए कि किस तरह से आपको PhD करना है। दोस्तों एक सूचना और भी है, PhD के अलावा आप जो है
इसमें भी आप कर सकते हैं। यदि एमफिल करना चाहते हैं तो एमफिल के लिए भी जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप दोनों में आप फार्म भर सकते हैं, एमफिल के लिए भी आवेदन भर सकते हैं और आप जो है पीएचडी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। किस किस सब्जेक्ट में आपका एमफिल है, इंग्लिश, बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका जो है ये आपका होगा। और ये समय दे दिया है 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इंग्लिश, बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स वालों को होगा, 12:30 से 2 बजे तक फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगा। यहाँ पर पूरा डिटेल दे दिया गया है कब एग्ज़ाम होगा, 30 तारीख को ही होगा, दोनों पेपर एक साथ होगा, हो सकता है कि पाली जो है अलग अलग होगा, ये आपको फीस पटाना है, क्या दिया है पूरा डिटेल दे दिया गया है। यहाँ पर जो क्लासेस जो है 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी एमफिल का भी और पीएचडी का भी। यदि आप पीएचडी और एमफिल दोनों में से कोई करना चाहते हैं या दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अवसर है कि आप समय से पहले आप जो है अप्लाई कर दें। अभी समय है 3-4 दिन और ज़्यादा समय भी नहीं है, इसलिए आज ही जो है अप्लाई कर दें। यदि हरियाणा, कल मुझे कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि हरियाणा में कोई पीएचडी वर्क है, प्रोग्राम है, एडमिशन हो रहा हो तो हमें बताइए, तो ये उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है जो बहुत साल से इंतज़ार कर रहे हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी करके अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। तो इसलिए आपको जो है इस वीडियो को आपको केवल आप ही नहीं बल्कि आपके अपने दोस्तों को भी भेजना चाहिए ताकि उनको जानकारी हो कि सिरसा में पीएचडी और एमफिल के लिए एडमिशन प्रारंभ हो चुकी है, लास्ट डेट आने वाली है। इसलिए जल्दी से जल्दी आप शेयर करें, साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।